अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और सब मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये थी आज हमारी एनिवर्सरी और उसकी तैयारी चल रही थी यार। एक्चुअली एनिवर्सरी के लिए हम लोगों ने इस बार कुछ भी प्लान नहीं किया, तो मुझे कहीं बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है बारिश के सीन्स ऑन हैं और बारिश में मैं कहाँ जाए क्या करें तो समझ नहीं आता। तो घर में ही मेरे पास कुछ रैपिंग की चीज़ें रखी हुई थी, तो मेरे इन-लॉज के साथ मिलके मैंने उसी से काशान के गिफ्ट को रैप कर दिया और उसमें थी डिजिटल वॉच और यहाँ मैं इसको रैप कर रही हूँ। और ऑर्गेंजा टिशू का एक कपड़ा रखा हुआ था, पहले मैंने इसको रैप किया, फिर इसमें कार्ड लगाया था इसको, इस तरह कुछ और मुझे करके इसके ऊपर मैंने इसको टाई कर दिया। और तकरीबन रात के कुछ 11:30 बजे का टाइम था जब मैंने काशान को ये गिफ्ट दिया और उनको बहुत अच्छा लगा। वॉच वैसे भी उनके लिए अच्छी, उनको वॉच पसंद है, वॉच की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है उनके पास। और ये वॉच तो मज़े की थी, स्पोर्टी सी थी बहुत। आप बताएं आप लोगों का टाइम कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हैं। तो सी अभी भी काशन काम ही कर रहे हैं, तो काम करते करते ही उन्होंने गिफ्ट लिया। खैर अगले दिन हो रही थी बारिश और फिर हम लोग निकल गए दो दरिया साइड और हमारे साथ एजल थी, मुकद्दस थी और बस बारिश यार अच्छी लग रही थी, बारिश मज़ा आ रहा था। लेकिन साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल आता है जिनके इतने वसाइल नहीं हैं और जो लोग बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मुझे उनके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो बहरहाल हम डिनर पर निकल गए और हमें ऐसा लगा कि शायद बारिश कम हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई, बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया, सांस ही नहीं ली। ऐसा लग रहा था कि बस होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। खैर हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ की एक अलग स्ट्रगल थी। हम कुछ और सोच कर आए थे लेकिन यहाँ पे हमें ये दिमाग में नहीं रहा कि यहाँ पे तो बारिश का सारा पानी आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट है और इन्होंने कुछ ख़ास इसके लिए काम किया हुआ भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और खैर हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ एजल सब कुछ बर्बाद करते हुए आपको नज़र आ रही है। तो वैसे ही पानी यहाँ वहाँ हर जगह से गिर रहा था, एजल की प्रैम भी कुछ हद तक गीली हो चुकी थी। और खैर फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर वगैरह दिया और और मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इस जगह पर खड़ी हुई थी, तो मैं पूरे तरीके से भीग गई थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी यार। और काशन जो ये कह रहे थे कि सीवी साइड पे ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बादल वहाँ ज़्यादा बनते हैं तो फिर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है टाइप थिंग। खैर बारिश हो रही थी, मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं एजल की वजह से नहा नहीं सकी। अगर एजल साथ ना होती तो मेरा फुल मूड था नहाने का यार, बड़ा ही कोई ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। सीरियसली जो व्यू था ना वो बड़ा मज़े का था और कोकोमेलन हर जगह जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये जी था हमारा फूड और फूड में था चिकन स्टिक्स थी, अल्फ्रेडो पास्ता था और प्रॉन चाउमिन था और इसके साथ ही कढ़ाई। लेकिन कढ़ाई को हमने बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि हम इतना फुल हो चुके थे पास्ता और दूसरी चीज़ों से कि हमने बस वो टेस्ट की और हम बाकी हमने टेक अवे करवा लिया। और यहाँ पे बूमरिंग बनाते हुए मैं आपको नज़र आ रही हूँ जो मैंने अपनी रील्स भी लगाई थी। तो खैर आपका भी अगर कोई बारिश का एक्सपीरियंस हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इट वाज अ फन आउटिंग, रियली बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।